शनिदेव, आशा करते हैं शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और गर्मियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में। तो बस हम भी निकल पड़े हैं गर्मियों को इंजॉय करने विहान के साथ और नीतू के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीतू भी आई हुई है, तो बस अभी हम घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे पास में ही एक मॉल है जिसका नाम है प्लाजियो मॉल। लखनऊ में ये बहुत ही फेमस मॉल है, बहुत ही बड़ा मॉल है, अभी रिसेंटली ही बना हुआ है। तो बस अब हम लेके आ गए हैं विहान को, और इस बार मैं विहान का प्रैम लेके आई हूँ अपने साथ, क्योंकि इसको गोदी में लेकर के घूमना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। अगर आप बच्चे को गोदी में लेकर आओगे, लेके घूमोगे कहीं पे भी अगर घूमने गए हो, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि आप कहीं पे भी जाओ, चाहे छोटी से छोटी जगह घूमने जा रहे हो, चाहे कितने पास जगह घूमने जा रहे हो या कितने भी कम टाइम के लिए घूमने जा रहे हो, आप अपने बच्चे का प्रैम जो है वो अपने साथ लेके चलो। आप भी कंफर्टेबल रहोगे और बेबी भी कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे विहान जो है सब चीज़ों को इतना गौर से देख रहा था, इतने प्यार से देख रहा था, मतलब क्योंकि हर चीज़ इसको नई लग रही है। और पहली बार जो है विहान को मैं इस तरीके से बाहर लेके आई हूँ, मतलब ऐसे तो ये बहुत बार घूमा है, लेकिन मतलब पर्टिकुलर किसी मॉल में या इस टाइप से मैं अभी इस बार ही लेके आई हूँ, पहली बार लेके आई हूँ इसको बाहर। तो इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सारे लोगों को देखना, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखना, इतने चमक धमक को देखना, ये इसका पहला एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर एक थोड़ा सा राउंड मार लेते हैं यहाँ पे पूरे मॉल में कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन से शोरूम्स हैं। वैसे तो हमें एज सच तो कुछ ख़रीदना नहीं था, बट इसकी बुआ जी को इसके लिए कपड़े ख़रीदने थे विहान के लिए, और मुझे एक जीन्स लेनी थी तो मैंने बस वही ली। और एक चीज़ और थी, मुझे गोल्ड का जो है कान के मतलब ईयरिंग्स लेने थे मुझे गोल्ड के डेली यूज़ में पहनने के लिए। तो वो भी मैं देखूँगी, अगर कुछ पसंद आएगा तो मैं लूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे जैवरन चैलेंज जो चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, उसके लिए पिक्चर्स खींची जा रही थी, तो बस हम वही देख रहे थे। शायद हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं अभी यहाँ पे, तो वही इनको देख रहे थे कि किस तरीके से ये फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। तो बस अब हम आ गए हैं मैक्स में। नीतू देखेगी विहान के लिए कुछ कपड़े, लेकिन हम आए थे फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन बच्चों के जो क्लोथ्स थे वो सेकंड फ्लोर पे थे। तो नीतू ने कहा कि हम लिफ्ट से जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, उससे बढ़िया है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रुको, तब तक मैं सेकंड फ्लोर से जो है इसके लिए कपड़े लेके आती हूँ। तो बस नीतू चली गई थी और मैं यहाँ पे कुछ कपड़े देख रही थी, इतने में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इसके पास आ गए थे खेलने के लिए, और विहान भी बहुत इंजॉय कर रहा था क्योंकि ये इसकी फर्स्ट इस तरीके की आउटिंग है जहाँ पे इसने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, आंटी को, अंकल्स को, यहाँ पे जितने भी लेडीज़ और बहुत सारे लोग थे, तो उनको देख देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बहुत इन्जॉय कर रहा था। और ये जो ब्लैक और ब्लैक वाइट कलर में जो बच्ची है, ये बहुत ज़्यादा बार बार विहान के पास आ रही थी, इवन ये अपने पापा को भी छोड़ करके विहान के ही पीछे पीछे भागी जा रही थी। इसके पापा जो है बार बार इसको ढूंढते हुए इधर उधर देख रहे थे कि कहाँ गई बच्ची। तो बस मैं भी इसको बोल रही थी कि अपने पापा के पास रहो, कि नहीं तो कभी गुम ना हो जाओ, कभी इधर उधर, कभी पापा से दूर हो जाओ आप। लेकिन ये बच्ची बिल्कुल मान ही नहीं रही थी, तो इसके फादर भी जो हैं इसके पीछे ही आकर के खड़े हो गए थे कि तुम आराम से खेलो, उसके बाद हमारे साथ चलना। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ये छोटी सी बच्ची हमें मिल गई और ये भी विहान के साथ खेलने लग गई, और विहान ने इसके साथ तो बहुत ही इंजॉय किया। और इनकी जो है ये मदर थी इनके साथ, तो जो मदर थी वो भी आ गई थी बाद में, और शायद वो पहले कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही थी और ये लीजिए इनकी मदर आ गई और फिर इनके साथ खेलने लग गई थी, क्योंकि ये बच्ची जो है वो इसको छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा जो है फन हुआ उस दिन, तो बहुत ही ज़्यादा मैंने इंजॉय किया। विहान को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा, मतलब एक तो विहान की एक बहुत ही अच्छी आदत है कि वो सबको देख करके, बहुत सारे लोगों को देख के ये बहुत खुश होता है, बहुत इंजॉय करता है, मतलब रोता नहीं है कि किसी को देख करके रोएगा, इस तरीके की का नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे एक अंकल हमें मिल गए थे, वो अंकल इसको देख करके मतलब मुस्कुरा रहे थे, स्माइल कर रहे थे, तो इनको देख करके भी विहान बहुत स्माइल कर रहा था, इंजॉय कर रहा था। तो बस यहाँ पे
बस फिर हम आ गए बाहर, वहाँ पे मैक्स से हमने जो है नीतू ने विहान के लिए कपड़े ले लिए थे, और उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर हम गए जीन्स देखने के लिए। हमने जीन्स देखी दो चार जगह पे, बस फिर दो चार जगह पे जीन्स देखते देखते फिर मुझे लास्ट में पैंटलून से ही जो है एक जीन्स पसंद आई थी, तो मैंने वो बाय कर ली थी। उसके बाद हम ऐसे घूम रहे थे यहाँ पे, और हम बस वापस जाने का सोच ही देते कि विहान जो है वो सो गया था, तो फिर हमने सोचा चलो ज्वेलर्स के पास भी चले जाएँ देखने के लिए, वरना ये रोने लग गया था, तो हमने सोचा चलो घर वापस चलते, बट वो ये सो गया था, तो हम ज्वेलर्स के पास आ गए, और जैसे ही हम ज्वेलर्स के पास आ गए तो ये उठ गया फिर। तो बस यहाँ पे हम देख रहे थे, मेरे को ईयरिंग्स चाहिए थी जैसा कि मैंने आपको बताया। मुझे मेरे पास एक्चुअली पुरानी जो मेरी ईयरिंग्स रखी थी, मुझे उसको उसके रिटर्न में मुझे ईयरिंग्स चाहिए थी, तो ये वाली ईयरिंग मुझे पसंद आई थी। लेकिन इनसे बात करने के बाद पता चला कि इनके पास अभी रिटर्न वाला जो है वो अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनका जो भी वर्कर या जो है वो अभी नहीं था, बहुत रात हो गई थी तो वो चले गए होंगे, वो अभी थे नहीं यहाँ पे। तो बस फिर मैंने ली नहीं, नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तब मैं लूँगी। और बहुत रात हो चुकी है, अब हम आने लगे हैं वापस। हमने अजीत को भी बहुत बार फ़ोन किया कि वो लेने आएंगे क्या हमें, बट उनका ऑफिस चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था उनके लिए आना। तो बस हमने बस कैब कर ली, और फिर कैब से हम घर वापस जाने लगे। तो हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे, पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया, विहान ने स्पेशली बहुत इन्जॉय किया। तो बस अब हम जा रहे हैं घर, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती ही रहूँगी, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मैं बनाती हूँ। अगर कोई और टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाहते हो, जिस पर आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में।